टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। यासीन इनका नाम है। इन्होंने जो है अपना इनका एक एल्बम सॉन्ग भी है, और ये है कि मैनचेस्टर में ही होते हैं और बहुत 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 अच्छा सिंग करते हैं, क्योंकि मैंने इनकी आवाज़ भी सुनी Yes, he was है। in the backstage and I said, या "Who's that singing?" इट्स वेरी गुड, He's very, इट्स very वेरी good. I'm गुड। looking forward या to meeting him. Yes. सो यासीन को जो है हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं Welcome. आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो मुझे ये बताएं, पहले तो आप अपने एल्बम का नाम बताइए मुझे। एल्बम नहीं था वो, एक सिंगल था, सिंगल ट्रैक था. हाँ, डॉलर पाउंड रिलीज़ डॉलर हुआ. पाउंड, डॉलर पाउंड, डॉलर पाउंड, हाँ जी. अच्छा। वो रिलीज़ हुआ था मार्च में, मार्च 2014 में. तो इट वाज अ गुड अच्छा। एंड उसके मतलब काफ़ी अच्छा रहा. बहुत से जो चार्ट्स थे उन पर वो टॉप 5 में रहा. ओ हालांकि माशाल्लाह, हमने जब उसको रिलीज़ किया था तो हमने कोई इसकी प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं किया था. अच्छा बताइए है कि म्यूज़िक के लिए उसकी प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है. जी, ट्रू। लेकिन हमने उसको बनाने के बाद जो है वो स्ट्रेट जो है रिलीज़ कर दी थी बगैर अच्छा किसी प्रमोशन के. इवन अच्छा हमने कोई एक पैसे की उसमें प्रमोशन नहीं की थी, ऑलराइट, सिर्फ हमने ओके, उसको बनाया और रिलीज़ कर दिया. आई सी। सो वेयर या डिड यू गेट डॉलर पाउंड, यू नो? डॉलर पाउंड एक्चुअली एक आइडिया था, एक गाना था. ये गाना उन लोगों के बारे में जो मतलब इंडिया से या पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज यहाँ पे फेस करते हैं, उस तरह से था. और कुछ लोगों का ख्याल है शायद ये सारा कुछ मेरे साथ बीता है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ था नहीं. क्योंकि जो भी आर्टिस्ट होता है जब वो कोई चीज़ बनाता है, चाहे वो कोई बंदा कोई फिल्म बना रहा हो या ड्रामा बना रहा हो या कोई मतलब कोई गाना बना रहा हो, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सब कुछ उसी के साथ हुआ हो. जो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा जो उसका जो सोसाइटी होती है उससे वो ये इंस्पिरेशन लेता है. इंस्पायर्ड होता है। तो वो जो था वो मैं मतलब देखता था अपने इर्द गिर्द लोगों में, मतलब जो लोग मतलब पाकिस्तान में या इंडिया में होते हैं तो जी, वो इंग्लैंड के बारे में अच्छा। उनकी एक डिफरेंट पिक्चर होती है. थोड़ा थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आप, क्योंकि यस हमें शायद अजान का भी ब्रेक है यस प्रॉबली, तो आप वही थोड़ा जो सा। हाँ, डॉलर ये पाउंड था. जो आपका एल्बम का था। या केंदे सन यार प्यारे, यूके दे वखरे नजारे, ओथे हर शैन राली वखरे ने लोक सारे, यूके में आके तकिया ऐथे दिल लाके तकिया, मिलिया ना दिल दा जानी सबनू अजमा के तकिया, भुल गया ए चेता हुण तां अपनी मनोण दा, मेरा चा लै गया सारा डालर पौंड कमोण दा, मेरा चा लै गया सारा एनआरआई कहोण दा। Absolutely एब्सोल्युटली brilliant. वंडरफुल। आपकी Yes. माशाल्लाह वाकई आवाज़ बहुत माशाल्लाह, अच्छी है। वेरी गुड. बस अच्छा, ये लगे ये उसको. अगर हमें ये देखना है आपका एल्बम, देखना है ये सॉन्ग, तो हम फेसबुक पे है, क्या है आपके, YouTube यूट्यूब पे पे है? या YouTube पे जितने भी तकरीबन जो मतलब सोशल मीडिया है, व्हाट से यू अंडर क्या, किस किस नाम से नाम के है? अंदर सिर्फ मेरा नाम लिखेंगे, यासीन खान लिखेंगे, तब अच्छा भी मतलब वो सॉन्ग जो आ जाएगा. हाँ अगर आप डॉलर पाउंड या सिंघा लिखेंगे तब भी आ जाएगा. यूट्यूब अच्छा पे है, फेसबुक पे है, उसके अलावा डेली मोशन पे है, मतलब जितने भी जो सोशल मीडिया है सब पे है. अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आईट्यून पे है, ओके, अमेज़न पे है, अच्छा नो नो नोकिया पे है, मतलब ओके, जितने भी ओह जो दैट्स डिजिटल गुड। जो या नेटवर्क है सब पे है. चलें जी, कॉल ले लें। हेलो 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 हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम जी. लाइव कॉल हो रही है मेरी? जी, आपकी जी. लाइव और कॉल लाइव. है। थैंक यू वेरी मच. तो आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपका. तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपके पास जो सिंगर बैठे हैं इनसे एक रिक्वेस्ट करें तो ये गाना सुना देंगे? सुना देंगे आप, इंशाल्लाह. जरूर सुना देंगे, जरूर सुना देंगे अच्छा आपको। जी, जी, एक सॉन्ग है रिम जिम, वो सुना देंगे पूछें इनसे? रिम रिम जिम, जिम, रिम हाँ जिम, सुना दूंगा. चले चले जी, आपको फरमाइश आ गई, थोड़ी हाँ सी किया, सुना हाँ दीजिए। भाई, भाई. तो आता है बस वैसे, कौन सा आपको पता है, रिम कौन जिम, सा हाँ सॉन्ग ये है? रिम जिम मेरे ख्याल में वो कह पंजाबी गाना कह रहे हैं रिम जिम. जी ये गाना मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने गैरी संधू, उन्होंने इसको रिलीज़ किया था अच्छा, खान साहब की आवाज़ में. वो मैं आपको सुना देता हूँ. नो प्रॉब्लम. रिम जिम पे दिया कणियां, सजना जान है मेरी ते बनिया,
रिम जिम रिम जिम पैंदियां कणियां सजना जान मेरी ते बनियां सजना जान मेरी ते बनियां मुड़ मुड़ बदल गजदा आ जा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया मेरा दिल नहीं लगदा जानिया मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बाजू दिल दियां गलियां सुनिया ने हंजुआ दा पा पानी मैं सदरा पुनिया ने सबर साडा आजमाण वालिया जिंद सूली लटकाण वालिया जिंद सूली लटकाण वालिया कर ले कम कोई चजदा आ जा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया मेरा दिल नहीं लगदा। ये मुझे बहुत पसंद है इसका एक। Yes. Really nice. Brilliant. Yes. बहुत अच्छी आवाज है। क्या मतलब? लेकिन time कम है otherwise। अच्छा ये बताएं आपने कुछ सीखा है या ये है कि बस ये naturally आप एक चल रहा है या कोई आपके उस्ताद हैं या किसने मतलब इतना बड़ा आपने decision लिया इतना बड़ा आपने album निकाल मतलब album एक गाना आपने वो करवाया तो मतलब क्या इसके पीछे कुछ क्या वो था? पहले तो मुझे ये बताएं कि सीख रहे हैं किसी से या बस नहीं नहीं एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो और किसी से मेरे ख्याल में पूछा जाता है इंटरव्यू में और इसका बहुत ही यूजुअल जवाब होता है जी कि मैं मतलब बचपन से गाता रहा मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से है स्कूल में कॉलेज में उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं ना तो मैं मुझे बचपन से ये था कि जी मैंने बड़े होकर सिंगर बनना है और ना ये कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था मेरे बहुत ही मजहबी घराने से मेरी ताल्लुक है लेकिन यह था कि मैं म्यूजिक का फैन था म्यूजिक सुनता था और बचपन से ही शुरू से और फिर आस्ता आस्ता वो जो शौक था सुनने का वो फिर गाने में तब्दील हो गया। तो कब आपने शुरू करी सिंगिंग? ये तकरीबन सिंगिंग तो वैसे मैं मतलब जब मतलब कॉलेज में थे तो वहाँ दोस्तों में बैठ के ऐसे मतलब गाना अच्छा वो एक तब से चल रहा है लेकिन फिर मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आना वो मतलब मैंने ऐसे डिसाइड किया मैंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ तो फिर बहुत से जो म्यूजिक प्रोड्यूसर थे उनसे मैं मिला उनसे जो थी वो बात की अपनी मतलब उनको मैंने सुनाया कि जी मैं ये करना चाहता हूँ उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी मतलब जितने से भी मिला सबने कहा ठीक है व्हाई नॉट करो आप तो फिर एक बर्मिंघम में एक प्रोड्यूसर है डिप्स बमरा तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरा ये पहला जो सॉन्ग था उन्होंने किया प्रोड्यूस इसको राइट और उसके बाद जो है वो डॉलर पाउंड चाहिए उन्होंने किया प्रोड्यूस तो ये चूंकि मार्च में गाना रिलीज हुआ था और मार्च से लेके अभी नवंबर जा रहा है जी। तो इतना जो लंबा गैप है उसकी वजह ये थी कि जो पहला हमने सॉन्ग जो रिलीज़ किया था डॉलर पाउंड वो मतलब हमने बगैर किसी प्लानिंग के रिलीज़ किया था हमें एक मतलब अपनी सिमत का नहीं पता था कि हमने करना क्या है जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि मतलब बगैर प्रमोशन के हमने रिलीज़ कर दिया था और ये ब्रेक जो थी इसका मतलब ये था कि हम वो एक प्रॉपर तरीके से हम जो आगे करना चाह रहे थे उसके लिए हमने जो है वो तकरीबन मतलब 7-8 गाने हमने ऑलरेडी जो है कम्प्लीट हमारे हो चुके हैं जिनमें से कुछ जो है उनकी वीडियोज़ भी जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है वो इंशाल्लाह जनवरी 2015 से हम जो है उसको एक जो है प्रॉपर तरीके से मतलब वन बाय करके सिंगल जो है सिंगल 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 वो जब 2015 में इंशाल्लाह एक साल में हमारा प्लान है कि हम 8 से 10 गाने जो है वो 2015 में हम जो है रिलीज करेंगे। अच्छा ये सेम प्रोड्यूसर हैं सेम आपके उसमें जो है वो दो गाने जो है उन्होंने किए डिप्स बमरा ने और बाकी एक जो है वो मैनचेस्टर बेस्ड प्रोड्यूसर है जीसी प्रोडक्शन गुरिल्ला चिल्ला मेरे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं मेरे भाई हैं बाकी जो गाने वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जनवरी में जो हम जो सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं हम उसका टाइटल है आशिक। अच्छा मेरे ख्याल में ये है कि यासीन मैं थोड़ा सा ब्रेक का थोड़ा सा टाइम हो गया है तो क्योंकि मैं जाहिर है आपके कंटिन्यू फिर हम ब्रेक के बाद ही वो कर सकते हैं अजान का जो है हमें ब्रेक लेना है चलें जी ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। नाज़रीन ब्रेक से जो है हम वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो थे हमारे साथ यासीन हैं बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं और इन्होंने जो है अपना एक सॉन्ग भी जो है एल्बम सॉन्ग है उनका डॉलर पाउंड के नाम से तो वो आप यूट्यूब पे जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं और बातचीत जो है यासीन के साथ चल रही है। दोबारा से जो है मैं यासीन की तरफ चलूँगी। यासीन मुझे ये बताएं कि कितने कॉन्सर्ट अब तक कर चुके हैं या ये कि शादी वगैरह में जाते हैं वहाँ पे गाते हैं किस तरीके से आपका
एक्चुअली मैं एक शौकिया मतलब एक्टर हूँ, शौक से गाता हूँ, प्रोफेशन ज़्यादा करता नहीं, बट ऑब्वियसली जो लाइव परफॉर्मेंस होती हैं वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक ऑक्सीजन होती हैं जिससे उसको मतलब तवानाई मिलती है, उसको ज़िंदगी मिलती है। तो मतलब प्रोग्राम हम करते हैं, पूरी टीम है उसमें, मैं हूँ, मेरे साथ जो डीजे हैं वो हैं, और मतलब बाज़ लोग डिमांड करते हैं ऑब्वियसली आजकल जिस तरह से मतलब एक ट्रेंड है, मतलब भंगड़ा ग्रुप होता है साथ वो जी, तो उसके साथ भी तो अच्छा, वो तो आपके सारे आपके साथ कोई ग्रुप है या ऐसे मैं हूँ, मेरे साथ जो है वो डीजे हैं एक, अच्छा, और उसके अलावा मेरा हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जी, एक जो भंगड़ा ग्रुप है उनके साथ, तो इवेंट्स जो है हम सारे कवर करते हैं। अच्छा, सारे इवेंट्स, सारे, सो यू डू अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड यू गो टू, उसमें ये है कि मैं आपको अपना फेसबुक बता दूं, उसमें है कि facebook.com/yasinkhanonline, यासीन खान ऑनलाइन, YASINKHANONLINE, यासीन खान ऑनलाइन, facebook.com/yasinkhanonline, ये मेरा जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, इसमें जाके आप मुझे मैसेज करें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जो है इंस्टेंट रिप्लाई करने की। तो मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर में या मैनचेस्टर से बाहर भी जाके वर्ल्ड वाइड या मतलब जहां से भी हो, जरूरी नहीं कि जरूरी कि मतलब मैनचेस्टर में हो या मतलब यूके के अंदर हो, जहां पे भी मतलब कोई हो। Right. So, what have you got any shows coming up or anyone, you know? मतलब अभी तो सीजन ऑफ आपको आपको ही पता है। Yeah. मतलब अभी तो नहीं इतना। Yeah. तो अभी हम जो है टोटली हमारी जो तवज्जो है वो सारी, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज की कि जो मेरा सिंगल जो आने लगा है जनवरी में, टोटली जो हम वर्क है उस पर कर रहे हैं हम, जो जितना हमारा फोकस हमने सारा उस पर रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमने डॉलर पाउंड बगैर प्रमोशन के रिलीज किया, मैंने आपसे बताया उस तरह से हम करना नहीं चाहते आप। अच्छा, इसकी इसकी जो है हम एक इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे लेवल पे, इसमें जो आप कोई एक रिकॉर्ड जो इसको रिलीज नहीं कर रहा, तीन रिकॉर्ड्स हैं जो इसको रिलीज कर रहे हैं, एक जो रिकॉर्ड है वो इसको रिलीज कर रहा है इंग्लैंड में, जो सिर्फ इंग्लैंड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेगा, इंडिया में जो डिफरेंट रिकॉर्ड इसको रिलीज कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट रिकॉर्ड जो इसको रिलीज कर रहे हैं, तीन रिकॉर्ड इसको रिलीज कर रहे हैं। अच्छा जी, कॉल है हमारे साथ इमरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो आपके पास यासीन साहब बैठे हैं ना, इनको कहें कि अबरारुल हक के आवाज में कोई गाना सुना सकते हैं। जी मैं भी सुनना। अबरारुल हक की आवाज में। अच्छा, कोई पर्टिकुलर कोई गाना आपको पसंद है अबरारुल हक का जो ये सुनना चाहती हैं आप? कोई बात नहीं, जो सा मर्जी सुना दे, इनकी आवाज बहुत प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओहो आपकी बड़ी फरमाइश आई है भाई। अबरारुल हक के वैसे तो वैसे मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तानी फैन है। हाँ। तो एक उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी अबरारुल हक को बहुत सुनता हूँ। तो मैंने एक्चुअली कोई पर्टिकुलर गाना है तो नहीं, बल मैं आपको दो लाइनें सुना देता हूँ। नो प्रॉब्लम, गाना था तेरी गल करनी वो मैं आपको सुना देता हूँ। तेरे उपरावां सानू बहुत सताया है भाई, सुने आए उन्हें घर फड्डा छड्डा पाया है, पालो बाबू जेड़ी तुसी पानी ओनी खपनी वे कड लियो, जेड़ा तुसी कड्डना यो सब असां ले जाना है तेनू नाल, असां तेरी गल करनी डैडी नाल, असां तेरी गल करनी ओए। यासीन, पता है मुझको और इमरान को जो है एक सॉन्ग बड़ा पसंद है, और वो है नूर जहां कौन सा है? We gonna sing it together. तेरे नाल मलाया अखियां। इमरान जो है म्यूजिक भी साथ में बजा रहा है। मुझे और इमरान को ये गाना बड़ा पसंद है। Yeah, definitely. तेरे नाल मलाया अखियां। I think you should be here then. No. Yeah, he's a very good singer as well and dancer as well. Yeah. Am I right? Yeah, calm down. Right, don't embarrass me. Achha. Okay, so yeah. What's next for you then? What you were planning on doing next? मैंने मेंशन किया पहले कि मतलब हम जो है इसको कर रहे हैं, जो 8 से 10 ट्रैक हैं उनमें से कुछ की जो वीडियोस भी डन हो गई हैं और ऑडियो हर ऑलमोस्ट हो गई हैं सबकी। ओके, तो वो हम जो है जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कब तक रिलीज होगा ये, कब तक? जनवरी में। अभी ये डेट जो हमने डिसाइड नहीं की, क्योंकि आपको पता है पूरी टीम वर्क होता है वो, मतलब रिकॉर्ड जो होते हैं जिन कंपनी जो होते हैं उसके पास ऑब्वियसली उन्होंने डिसाइड करना है कब रिलीज करना है, तो डेट तो अभी फिक्स नहीं, बल्कि जनवरी में डन है। जनवरी में डेट जो है वो बाद में
वो सब मैं यही पे आपको बताऊं। मतलब एक एल्बम बनाने में या एक सॉन्ग बनाने में कितना टाइम लगता है कोई? एक्चुअली इसमें इसमें बंदा तो हर 5 मिनट में सुन लेते हैं बैठ के सॉन्ग, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा बहुत काम होता है। सबसे पहले तो मतलब आपको लिखना पड़ता है उसमें जो एक एक लफ्ज़ होता है वो एक नॉर्मल जो शायरी लिखना और गाना लिखने में बहुत डिफरेंट डिफरेंस होता है। मतलब जब आप एक नॉर्मल जो पोइट्री लिखते हो शेर लिखते हो लिख देते हो, लेकिन जब आपने गाना लिखना होता है तो उसकी आपने बीट भी बनानी होती है, आपने फिर वो वर्डिंग वो यूज़ करनी होती है जो बीट के ऊपर आती है वर्डिंग। और जब मतलब गाने में, और दूसरी है कि बाकी मैं यहाँ तो मतलब बगैर म्यूजिक के बैठ के गा रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप किसी को बिठा दें यहाँ बैठ के वो बगैर म्यूजिक के गा लेगा, लेकिन जब आप गाना रिकॉर्ड करते हो तो उस टाइम बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम आपको जो लफ्ज़ होते हैं जो वर्डिंग होती है सॉन्ग की वो आपको बीट के ऊपर डिलीवर करनी पड़ती है। तो वो जो है वो बहुत उसमें जो आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आपको बीट के ऊपर कैसे गाना है, एक एक जो लफ्ज़ है वो एक एक बीट के ऊपर आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो उसके बाद गाना जब उसकी ऑडियो तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो ऑब्वियसली वीडियो का, ऑडियो को तो आजकल दौर को नहीं कौन सा ऐसा जो आपका जिसे कहते हैं सिंगर बहुत अच्छा है जो आप अच्छा गा सकते हैं जिसकी आवाज़ में, वो आप मेरे ख्याल में वो सुना दें आप हमें। मैं तो आपको कोई भी सुना दूंगा, राहत फतेह अली खान। हाँ, राहत फतेह अली खान का मैं आपको सुना देता हूँ। उनका एक तो यह है कि फिर टाइम भी थोड़ा सा अब यह है कि ख़त्म हो रहा है, तो मेरी तरफ से और इमरान की तरफ से जो है आज के लिए आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही था, और हम जो है यासीन से जो है जाते जाते एक राहत फतेह का बहुत अच्छा सा सॉन्ग जरूर सुनेंगे। जी यासीन, उनका एक गाना रिलीज हुआ था अभी रिसेंटली, जरूरी था, उसकी मैं चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजू का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कजा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें।